of inclination 30 degree with horizontal. The coefficient of sliding friction between the box and the plane is 0.4. Find the acceleration of the box down the incline. Okay. So, ये है numerical कि भाई 20 kg का एक box है, ये एक नदी का एक झुके हुए तल में स्थित है जो 30 degree पे झुका हुआ है, जो सतह है, जो तल है, वो 30 degree पे झुका हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर आपको घर्षण गुणांक दे रखा है, sliding friction, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? The coefficient of sliding friction आपको यहाँ पर दे रखा है, गतिक घर्षण गुणांक आपको यहाँ पर दे रखा है। तो वो क्या है? आपको 0.4 आपको यहाँ पर given है। Find the acceleration of the box down the incline। जो box नीचे की तरफ आ रहा है, उसका हमें acceleration पता करना है। तो देखिए बहुत ही simple सा concept है, एक बार इसका diagram बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये horizontal line, this is the inclined plane, और यहाँ पर आपका क्या है? Box रखा हुआ है जो नीचे की तरफ आ रहा है। ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है एक acceleration के साथ। तो ये मान के चलेंगे यहाँ पर जो कोण है, जो angle है, वो 30 degree का कोण है horizontal के साथ inclined plane का। ये inclined plane है। अब ये frictionless तो है नहीं, ये घर्षण रहित तो है नहीं, इसमें घर्षण गुणांक आपको दे रखा है, coefficient of sliding friction आपको 0.4 यहाँ पर आपको given है। तो अब क्या करते हैं ऐसी condition पे? सबसे पहले यहाँ 20 kg का जो इसका weight है, उसको अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं कि यहाँ से ऐसे इसकी normal reaction जो है, यहाँ से अगर अपन ऐसे देखेंगे तो यहाँ से इसकी ये normal reaction ऐसे यहाँ रहने वाली है। तो ये line होगी, ये इसका ऐसे mass रहेगा 20 kg, mg force यहाँ पर लगेगा, ठीक है? यहाँ पर इसका mg force लगेगा, यहाँ पर ये जो mg force है, इसके साथ कितने degree का angle बनाएगा? 30 degree का angle बनाएगा। तो mg का एक component यहाँ पर हो जाएगा mg cos 30 degree, और एक component यहाँ पर आएगा ऐसे, ये कौन सा है? mg sin 30 degree। तो ये दो component यहाँ पर बनेंगे, mg cos 30 degree, mg sin 30 degree। अब acceleration आपको निकालना होगा, तो acceleration का formula क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? मास तो 20 kg है, मास तो 20 है, तो m को तो m में रखेंगे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सेलरेशन, फोर्स कैसे निकालें? फोर्स निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। यहां पर आपको अगर फोर्स लग रहा हो, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन ही लगेगा ना। पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? यहां पर पीछे की तरफ लग रहा है म्यू एन, ठीक है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है? तो स्लाइडिंग ये इसकी मोशन में रुकावट पैदा करेगा, तो स्केच को अपोज करते हुए नीचे की तरफ आना है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स हो जाएगा आपका mg sin 30 डिग्री, में से इस म्यू एन को माइनस कर देंगे, म्यू एन को माइनस कर देंगे अपॉन में n। अब देखो n क्या होता है? n इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज mg, इसके इक्वल होगी नॉर्मल रिएक्शन, ये है n आपका, तो mg cos 30 के इक्वल है। m की जगह mg cos 30 कर देंगे, तो a equals to mg sin 30 minus mu, अब mu की वैल्यू 0.4 है, ध्यान रखना mu की वैल्यू कितनी है? 0.4 है, तो यहां पर 0.4 हमने रख दी mu की वैल्यू। m n है mg cos 30 degree अपॉन में m, m कॉमन लेंगे ना, तो m से m, हो जाएगा, 2 बदल जाएगा, 2 into √3 हो जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी
14, 5, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 इससे चला गया 5.46, तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने नाम से हो गया, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3.46 हो जाएगा, तो 3.46 से जब हम माइनस कर लेते हैं तो एप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, देखो 6 के 4 5 एंड 4 में से 3 के बाद 1.54 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर, 1.54 के एप्रोक्सीमेट इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने 10 मान के किया है, आप 9.8 मान के भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके बेटा।